माया के लंबे लंबे बाल, परिंदा लंबा नैयों मैया के लंबे लंबे बाल, परिंदा लंबा नैयों, तुम जयपुर को जइयो माता की चुंदरी लइयो, तुम जयपुर को जइयो माता की चुंदरी लइयो, चुंदरी के रंग लाल। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, राधे 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 कृष्ण, जय खाटू वाले श्याम, जय बागेश्वर धाम। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैंने बना लिया है वेज थाली। आज वेज थाली में है कद्दू की सब्जी और मिक्स दाल एंड पापड़, राइस एंड चपाती। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और आप देखिए कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है थाली, वेज थाली, टुडे वेज थाली। तो मैंने सारी सब्जी कट करके रख ली दाल फ्राई करने के लिए, और उसके बाद ये रहा कद्दू। कद्दू को मैंने कट किया पहले लंबे लंबे पीस में, उसके बाद इसके छिलके काटे, छिलके निकाले, और ये काफ़ी अभी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं हुआ है, कच्चा है। ये पका हुआ थोड़ा काफ़ी मतलब पीला होता है और मीठा होता है, उसका स्वाद मीठा आता है। अभी ये कच्चा है तो ये थोड़ा सा मीठा नहीं है, मतलब ऐसे सिंपल है। तो इसे कट कर लिया है मैंने, थोड़े मोटे मोटे स्लाइस में काटे, क्योंकि ये फटाक से गल जाता है आलू के जैसे ही। तो ऐसे कट कर लिया है मैंने। और कद्दू की सब्जी किसे किसे पसंद है और किसे नहीं पसंद है, कद्दू के नाम से बहुतों के नाक ऐसे सिकुड़ जाते हैं कि नहीं नहीं कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। बट मेरी रेसिपी के साथ आप बनाएंगे तो कद्दू की सब्ज़ी बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। तो चलिए, इसको मैंने वॉश कर लिया है, अब रखा है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाला ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तो वैसे कद्दू सरसों के तेल में अच्छा बनता है, तो सरसों का तेल। और इसमें डाल रही हूँ मैं एक टेबल स्पून जीरा और एक टेबल स्पून सौंफ और चिटकी भर हींग और चिटकी भर मेथी दाना, दो तीन मेथी दाने, कि बहुत लोगों को मेथी दाना पसंद नहीं होता है, थोड़ा सा कड़वा स्वाद आता है। बट ये पंचफोरन से ये सब्ज़ी बनती है तो इसमें ये डालना ज़रूरी होता है, इसकी मत करिएगा। और फिर मैंने बारीक लहसुन को काट लिया है, चॉप नहीं किया है, इसे बारीक बारीक काटा है मैंने, उसे ऐड किया है। और हरी मिर्ची, आप लाल मिर्ची सूखी वाली ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी हरी मिर्ची अवेलेबल थी तो मैंने उसको ऐड किया। और बस आपको थोड़ा सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन सारे चौक हो जाए तो इसमें आपको कद्दू ऐड कर देने, इसको थोड़ा सा चलाएं, ऊपर नीचे करें और बस आपको ढक देना है। धीमी आंच पे पकाएं, धीमी आंच कर दें गैस का मीडियम फ्लेम। और फिर लीजिए मैं अब रख दी कुकर, कढ़ाई मैंने दूसरी साइड रख दी, और इसमें डाला मैंने घी 2 टेबल स्पून, क्योंकि दाल में घी से तड़का लगता है तो काफ़ी अच्छा होता है। और दाल में इस तरीके से बनाते हैं, बहुत लोग दाल पहले बॉईल करते हैं उसके बाद चौक लगाते हैं, बट मैं एक साथ ही चौक लगा के और इसमें बना देती हूँ कुकर में, ताकि ये सारी जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, प्याज वगैरह टमाटर, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं। और फिर ऐसे ऊपर से चौक लगाते हैं तो सब चीज़ दिखता है, प्याज जो दिखता है, मिर्ची दिखती है, टमाटर दिखता है, तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो बच्चे काफ़ी पसंद से खा लेते हैं। इसमें डाला है मैंने
टू टेबल स्पून घी या फिर ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं आप, और जीरा और थोड़ी सी हींग। उसके बाद मैंने प्याज कट करके, प्याज और मिर्ची, हरी मिर्ची, उसको ऐड किया है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आप भूनेंगे। उसके बाद लहसुन कूट के रखा है मैंने, उसमें मसाले ऐड करूँगी और फिर इसको ऐड करना है। जब तक मैं थोड़ी सी सब्ज़ी को भी देख लेती हूँ, इसमें मसाले वगैरह डाल दूँ। सब्ज़ी में मसाले में बस हल्दी डाल दें, हल्दी जो बेसिक मसाले होते हैं वही ऐड करने हैं, बाकी अदरवाइज़ कोई मसाले नहीं ऐड करने। हल्दी, नमक और लाल मिर्ची, थोड़ी सी धनिया, और लास्ट में जब पक जाए तो थोड़ा सा अमचूर, अगर आपके पास है तो अमचूर ऐड कर दें, और थोड़ा सा चिटकी भर गुड़, इससे काफ़ी खट्टा मीठा सा स्वाद आएगा इस कद्दू की सब्ज़ी में। और कद्दू खट्टी मीठी लगती है जब भी, अच्छी लगती है, वरना तो ये सिंपल सी लगती है, क्योंकि ये सूनी सूनी सी सब्ज़ी है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो इस तरह से बनाएं तो काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी, और कद्दू काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए। तो इसकी सब्ज़ी आप ज़रूर खाएँ मेरी रेसिपी के साथ। और मैंने इसमें देखिए सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं। लास्ट में मैंने डाला है टमाटर, तो टमाटर भी मैं अच्छी तरह से गला लेती हूँ। उसके बाद दाल वगैरह कुकर की सीटी लगाती हूँ, क्योंकि ये जब तक गलता नहीं है ना, नहीं तो फिर सीटी लगाने में ही खड़े दिखते हैं। देखिए सारे मसाले मेरे सब मिक्स हो गए। अब मैं ऐड कर रही हूँ दाल, जो दाल में 5 तरह की दाल है, चना है, काली मूंग की दाल है, और हरी मूंग की दाल है, मसूर है, और मूंग है। इन सब दालों को, मोठ है, इन सब दालों को मिक्स करके और बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है और हेल्दी होता है, क्योंकि मिक्स दाल ही खाना चाहिए। वैसे बहुत लोग तूर वगैरह की दाल खाते हैं, बट तूर की दाल काफ़ी गैस्ट्रिक, जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसको गैस बनाता है काफ़ी बॉडी के लिए, तो आप मिक्स दाल खाएं तो काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा रेडी हो गया है सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी। देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बर्तन में, और ऊपर से मैं धनिया ऐड करें, और बस रेडी है आपको सर्व करने के लिए कद्दू की सब्ज़ी। 10 में सीटी आ रही है दाल की, तो सब्ज़ी रेडी है, दाल भी रेडी है। अब मैं बनाऊंगी इसके बाद चावल, थोड़ी सी मैंने पिक ली थी और चावल बन गया, चावल रेडी हो गया, 2 चपाती बना ली मैंने, और लग गई मेरी थाली, आज की वेज थाली, मिक्स दाल और कद्दू की सब्ज़ी एंड चपाती, राइस एंड पापड़। चलिए खाइए और इस रेसिपी के साथ बनाइए, और फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप, एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।